Injury is the name of this video. Gaurav Kapoor is the comic who made this video. So make sure you subscribe to Gaurav Kapoor and let him know that you love his injury video. Stand-up comedy, we're about to watch. Let's do it, here we go. दोस्तों तीन साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने. शाम को 6 बजे का शो था, 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची. मैंने कहा पहले जिम करेंगे. Why so soon before your show? मैं होटल के जिम में गया. जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप. मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वही बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर. ओह नो, न्यूबी गेन्स, गो गेट सम न्यूबी गेन्स. जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना. पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे. You guys know lunges? Yes. पता है आपको lunges? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है. I hope you understand, huh? And let's not go for such a low-hanging fruit joke. Basically, you have to stretch your legs and you have to go down, right? Uh-huh, yeah. Lunges is a great exercise. It should not be show the us. First exercise. Show us the exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा. You need to warm up. First exercise, है ना? भाई मेरे दिमाग में सब That is a warm up. ना मैंने warm up करा, ना कुछ करा. You can do it as a warm up, I guess. Slowly. और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? I've never heard that, but that's great. Wow. Okay. You just went straight into it. Yeah. नीचे गया. वहीं रह गया. That's a weird lunge. मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक. Oh man. और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी. Yeah. I feel bad for him. मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा. मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में ऐसा वेलकम मैन रखा जाएगा. कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ हैं, 5 वाले डंबल वहाँ हैं. नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी, वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो. भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ. मैं यहीं रहता हूँ. मैं कसम से वहाँ पे CCTV देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा कैसा भूतनी को छोड़ भग गए यहाँ से. भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है. मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँ, कोई पेमेंट लेट किसी की. तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट. मैन हू ऑनर्स हिज एग्रीमेंट. मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले. बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली. मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही. मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, मैं ये जस्ट डायल खुल गया है. Was it like a different type of physio? मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी. कह रही आप आओ तो सही, होती है. मैं कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ. नहीं था गया उनकी क्लिनिक, गया फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था. पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो नहीं थी, उनकी दो असिस्टेंट थी. और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहां चोट आई. ओह नो, इन द ग्रोइन. आई हैव एक्चुअली इंजर्ड माय ग्रोइन बिफोर. बॉल, आईबॉल्स, आईबॉल्स, व्हाट बॉल्स, राइट भाई वो तो हवा में रहते हैं. आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? Depending on the exercise you do, if you're not wearing the appropriate underwear, you could injure your Christmas ornaments. Your Christmas ornaments. Thank you. Like, imagine jumping up and down naked. You know what I'm saying? Okay, like, gotcha. Yeah. So basically, what you're saying is your sports boxers are the equivalent of a sports bra. Bra. Yes, you could injure that with enough force. But he was just doing a lunge. He should have started with a. No weights. No weights. Yeah, he was a newbie, though. He was excited. I miss those newbie gains, you know? I kind of got them after our trip from Japan because, like, I hadn't worked out properly in a while. I'm like, oh, my God, I feel sore again. This is so cool. Because I remember I brought my sister to the gym once many years ago. I'm like, you should come with me to work out. And so I wanted to give her, like, the full rundown. And we did, like, all the exercises that you could do at the gym, right? Every one of them. And I called her up the next day. I'm like, how do you feel? She's like, I can't. Can move. She's like, everything is sore. Yeah. I'm like, that's a great feeling. She's like, I don't like it. I'm never going to the gym again. What?
Oh, jeez. So he did hurt his balls. No. No, it's groin. The least prone area. And anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. Yeah. And look, how big, bhai. You guys know groin area. This groin area, right? Mm-hmm. Groin area, inner thigh. Yeah. Groin area, inner thigh. Bhai, mere na ekdam iske center mein chuta. Ekdam center. Isko bolte hain adductors. Yeah. You guys know adductors? How did he mess up his abductors? Itch guard ki ad dekhi hai. Remember itch guard ad? I've pulled my groin before. ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें याद है जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी लड़कों को तो पता ही होगा ना जहाँ तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं उनके कच्चे नहीं तो बाइक से उतरते हाँ जी भैया चलो भैया चलो देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ चुका होता भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट एकदम सेंटर में चोट और वो मेरे से बोले क्या हुआ फालतू स्टिक तोड़ी मेरे साथ मगर मैम चोट लग गई आई गॉट स्केयर्ड दैट मेबी ही गॉट अ हर्निया या मगर इधर भाई दोनों असिस्टेंट cuz where he's describing it sounds like a hernia करी यहां लगी होगी ना मगर नहीं यहां तो करी नहीं वही है मैं कहा मैं मेरे चोट है यार अरे हम यही ट्रीटमेंट देंगे व्हाट हाउ वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा मैं यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे पर यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दिया यार थाइस पे चोट ही नहीं है वहाँ चोट यार Because it's like, चल रही है you know, it's not proper. It's all connected. लगाते हैं you guys know electrodes बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की उस पर जेल लगा के लगा देते हैं उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया कह लो खुद लगा लो व्हाट मगर अरे मुझे नहीं आता कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे या इट्स योर जॉब या ये DIY क्लिनिक है DIY क्लिनिक यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ कह रही ज्यादा ऊपर मत करो अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है Oh no. Don't you clean it? मैम ये पिछले वाले के काम पे लगाई थी You don't want to know. इस क्लीनिंग में कुछ हाइजीन है कि नहीं है कुछ सही नहीं हुआ भाई थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ थाइस पे वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है वो स्लिम्स और बेल्ट नहीं होती वो चलवाई है मैंने यहाँ पे कुछ सही नहीं हुआ भाई बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी दो मसल और खिंच गई Oh my goodness. और गंदे दर्द में लौटाऊँ वापस Oh my God. चला स्टेज पे ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ नहीं हो पाएगा आज 30 मिनट में उतर गया गया रूम में पड़ा हूँ होटल रूम पहुँचा भाई उस दिन किस्मत इतनी ख़राब मेरी मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा सबको अच्छा लगेगा uh-huh. आज ये नरक था मेरे लिए क्योंकि नॉर्मली no, में येरा कमरा येरा वॉशरूम oh, no, it was really far. येरा कमरा येरा वॉशरूम आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा वहाँ रहा टॉयलेट बीच में सोफा किसका बाप लेट रहा सोफे पे मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है वो छोड़ो भाई मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है शीशे का पर्पज ही नहीं है क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे अपने आप को राजा महाराजा मानते हो ना शीशा देखते बिग मिरर सो यू कैन सी योर होल आउटफिट या या दैट्स ट्रू यू नीड द फुल लेंथ अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं I do find some bathroom mirrors strange. Well, particularly for men. I remember I was at Sintel's place when he lived in North Hollywood. And there's like a full mirror from one side of the wall all the way to the shower. And I'm like, I can see myself like in the mirror. It's so bizarre. It helps to make the room seem bigger when you put a mirror in there. It also makes other things seem bigger. I don't know how, whatever. So. Objects in the mirror might be closer than they appear. I don't know where I was going with that. Anyway, I don't do jokes professionally. Not like this guy. What? Wait, what? ये जो what आपका is वो निकला move? मुझे बस यही याद नहीं आया
क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है, मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज भी होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। Yeah, oh, like it's like a आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी है। Tiger bomb। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। Is it like ah, it's ah? मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डा विंची कोड की तरह। डा विंची कोड मुझे पता है ये जो पांच लोगों ही समझ आता है। I got it। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था। Oh no! Oh no! तो पंची होता है। स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में सब बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे भाई, जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी, अभी आप झेलो मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। Hold on, okay, I just need to make sure I'm on the same page. So he basically had one of those things that is like activating like Tiger Bomb. And so he had to strip his clothes because as he moved around, it kind of shifted where that, the paste or the Tiger Bomb. Where are you getting this from? Like he said things move around. Right, no, he was talking about how it's like he wasn't thinking straight because he was in a lot of pain. As soon as he mentioned this ointment, everybody was like, oh, like, don't do that, bro. Because if you're putting it on your groin, that's a sensitive area, yeah. Right? You probably don't want to put something like a Tiger Bomb or like a muscle thing like that that's going to heat up close to that area because it's super sensitive. But he wasn't thinking straight. So he was like, what's this moving around business then? He was just talking about it. I don't know. So basically the joke is that he didn't have the ointment, so he couldn't even do like a targeted application. He only had the spray. Okay. I thought he had an ointment for some reason. And I thought that, okay, I misinterpreted what he was saying. I think he was talking about the ointment. The ointment is called Move. I misinterpreted it completely just because of personal experiences where you put something on and then you put on a shirt or whatever. And because of the friction and everything, it starts to shift it where it is. And so you have to be very careful about application when it's near sensitive areas. Yes. And so I thought that's what he was talking about. Would not recommend. But like, he obviously hasn't had a heck of a lot of injuries if he's doing things in this kind of manner where it's just balls to the wall insane with a and the spray and then it just goes everywhere. Yeah. I'm trying to be careful how I word this because it's YouTube. But like, okay, you cover it and then spray. Like... Bakwas. It's like it's just you just have to be mindful because I think that you know I've had to apply ice to that area. Uh-huh. To you know to you've injured your groin as well. Well, I just have like a hip thing, as you know, and because from years of martial arts, and so I'll apply ice from time to time, and I don't want to freeze the jingle bells at all. I don't want to get that all hit with ice, and so I have to you know hold ice. You know what I mean? Just be careful out there. Hot tip from Jabby Koe. अब मेरे यहाँ दर्द और यहाँ जलन। ऐसा लग रहा है इसे लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दी हो। Yeah. मैं बैठ के फूके मारी जाऊँ। Oh, it made it worse. No. No, you just gotta rinse it off. मुझे कुछ समझ नहीं है करूँ क्या, फंसा पड़ा हूँ यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूँ, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। Oh my God. रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा। Oh no. मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे पहले लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी चांट के सेलिब्रिटी खड़े हुए यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, मैंने क्या दिक्कत है। Just jump in the shower. पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा। ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोला। Just jump in the shower, dude. भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूँ, टूटी नीचे है वहां मैं झुक नहीं सकता, चले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके, मैंने बस सोचा करा नहीं। इन द टॉयलेट वॉशिंग मशीन होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो, मेरे मन में पानी भर के मैं डुबो दूंगा।
पर फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन. इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहाँ से. मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बताई है. अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुँचा चंडीगढ़. चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट. मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ. मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया. डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ. मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया. 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए. क्या बदतमीजी है ये. मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है. मैं कल से परेशान हूँ. कुछ समझ नहीं आ रहा. तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ. ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ. उस दिन उन्होंने क्या करा मेरे सबको नीचे का उतार दिया. मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया. Okay. उतार दिया लिटा दिया तौलिया लगा दिया. उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए. लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए. मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या. टेंस नाम की मशीन होती है. ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है. उसके आगे जेल लगता है. उसके पीछे लाल और काली तार जाती है. वो तार एक मशीन में जाती है. वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है. पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी. मैं तो लेटा हुआ हूँ तौलिया लगा हुआ है. तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है. तो जो मेरा POV आया God. वो ये था कि मेरे तौले के नीचे लाल और काली तार जा रही है. Okay. वो तारे तौले से निकल रही है. वो तार एक मशीन में जा रही है. Oh my God. और मशीन में टाइमर चल रहा है. Oh, I thought it was like a defibrillator. लगा बम लगा दिया क्या. DMD. Oh, bomb. Yeah. कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं. खत्म कर दो नेस्तो नाबूद कर दो उड़ा दो साले को आज. मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा. एक मेरे को पी सुनाई दिया खींच दूंगा लाल तार. भाई मैं लेटा हूँ तौलिया लगाए इलेक्ट्रोड लगाए. डॉक्टर आए मेरे पास. कह रहे स्टेबल हो. मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ. कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ. मैं क्या. कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ. मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है. यस डॉक्टर इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड. भाई मैं लेट आऊँ तौलिया लगाए इलेक्ट्रोड लगाए. डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी. भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी. Oh no! Oh no! That's what I was afraid of. चार्ट सब भूल गया. मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया. मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार. Yeah. Yeah. Exactly. Yeah, that's awkward. At least it's a male doctor, though. That's almost worse. Is it? If you're, I mean, if you're heteronormative. तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो. क्योंकि भाई तौलिया में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार. I love that. डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है. आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके ओके ओके. He's a doctor. Yeah. He's a doctor. He's probably he's seen a everything. Male doctor. He's chill. भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूँ. कुछ नहीं होना चाहिए. पूरा 5 मिनट हो गए. 5-7 मिनट हो गए. वो वाइब्रेशन होते हैं. डॉक्टर मेरे पास आए. कह रहे स्टेबल हो. मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हूँ. कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूँ क्या. No, 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 no. मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज. आप थोड़ी देर दूर जाओ. आप मत करो कुछ मत करो प्लीज. तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी. और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ तो मैं और टेंशन में आ गया यार. Oh no. Yeah, he got to, okay. Oh no. This is hilarious because I feel like it's super relatable. Every time I've been to the doctor and they have to do an inspection of some kind for that area, there's always a part of my brain that activates this paranoia that goes, oh geez, like I wouldn't want to get excited in front of the doctor. Like, right. How awful would that be? Yeah, it would be awkward. And then invariably what happens every time, and I probably said this before on the channel, clothes come off in an effort to, you know, proceed with the examination. And my guy, it has become a little guy and quite afraid of the situation. And is just like tuckered up and like in a real bad way. And I'm like, what the f***?
Like, that's not representative of a normal, what I look like, generally speaking, just so we know. And it's like, but you can't say that to the doctor, but you can think it. But it's why like, do you care? Especially if your doctor's just another guy. Because they're secretly judging you. They all are secretly judging you, and you know it. And they see a lot, and they're just like, I'm like, no, but like, this is not representative of who I actually am. This is a false impression that you're getting right now, and I want to say that out loud, but then that's just making it more weird. Yeah. You know, as, anyway. Don't say that. Yeah. Shut up. Just shut up. Just be quiet. Exactly. Like, just quiet the voices in your head. कह रही हमें ये सब नहीं होता है मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो ऐसे ही करके भेजोगे आज तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार फिर मैंने होटल जाके चेक करा Still works. तो सब सही था I thought that was like a really fun stand-up comedy bit because he's a really good storyteller. Like, I liked the way he set it up. I liked the delivery, the repetition of the lines, you know, like of what happened and stuff. Like, yeah, it was a really well-structured joke. It's relatable. Yeah, so relatable. I might have gotten a little bit lost, you know, with some of the specifics at one point, but it was highly relatable. I'm like, oh yeah, it's so relatable, as if I have a dingle dongle. I don't, but like. I can imagine. And also, it's just awkward, that whole idea of, you know, showing up to the doctor. You're like, I need help, but it's like in a private area. But I think you just have to remember that, like, doctors are professionals. You know, I had a incident a long time ago where, you know, because I have my hip just kind of pops, and it's popped since I was a little kid, mm-hmm. Just from martial arts, and, you know, and so I wanted to get that checked out. And so I went to a doctor who was a female. She's like, okay, what are you talking about? And I'm like, well, if you put your hand there, it pops every time I lift my leg. And so she stood behind me and had to put her hand on me. And it's like, it's a very like intimate sort of scenario. And I'm was like, she cute? No. Okay. But I'm like, oh Lord, please just don't get excited. Lord, just keep me calm and steadfast. And so she felt the area and it popped and everyone was like, she's like, oh, okay, I get it. So how's that popping going for you? It's fine. It's just the encounters are always awkward. Like anytime it deals with that, it stays in my mind forever. Anything that relates to that, that's awkward, I don't ever forget it. I remember I was at an airport and you probably heard me talk about this. The guy's checking me out, boop, boop, boop. Cause you know, you go through the thing and he's like, okay, there's something on your body. And so he takes the wand and goes, boop, boop, boop. According to the boop, boop, it was something in my pocket. There's something in my pocket. And he's like, what's that? What is that? And I'm like, that's my dick, dude. And then what he does is he goes like this. He goes. Again, and just to make sure. And I'm like, and he goes. I'm like, you're the one that did it, not me. You're the one getting all like gropey. Were you aroused? No, I was relaxed. I was very relaxed. No, I mean like after he pokey pokeyed you. No, I just wanted to get out of there. I was horrified. Like, what are you doing? The worst thing would be if you did get excited because like that's just so embarrassing. And I think it's definitely worse for guys too because it's so visible. I think at least for a woman, it's not something that's like... It's visible too, depending on the level of excitement. Yeah, but like if it's just like low level or whatever, you could probably just style it out. Whereas with a guy, it's like... I'm just feeling very sweaty. I'm just really hot right now. Like, also, when I sweat, it's very sticky. Yeah. But like with a guy, it's like, hello, too obvious. Well, I feel like doctors have seen everything. I think you as the patient are far more... off-put by it and mortified and embarrassed than the doctor. The doctor probably doesn't care. Probably. Yeah. Yeah. The doctor's probably like, oh, well, I'm attractive, I suppose. Wow. What a fun day at work today. It was so interesting. Yeah. Anyways, y'all, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed that. I'm Jabby Koi. This is Acharya Kirk. Peace out.